राजस्थान का मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद की बात करें, केवल जोधपुर की बात करें, सारे विकास के कार्य उधर ले जाए तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भेदभावपूर्ण रवैया मुख्यमंत्री जी का रहा है और पूर्वी राजस्थान को, अब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री हैं, पूर्वी राजस्थान को गहलोत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी की पूर्वी राजस्थान के प्रति कतई किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जोधपुर की बात करते हैं, जबकि वो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और अब की बार तो जो पूर्वी राजस्थान का इलाका उनको सत्ता में लाया है, सीधे करीबन 28 विधायक एक तरफा कांग्रेस के वहाँ से जीते हैं, उसके विकास की चिंता नहीं है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद की बात करें, केवल जोधपुर की बात करें, सारे विकास के कार्य उधर ले जाए तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी राजस्थान के संभाग, चाहे कोटा हो, चाहे शेखावाटी हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हो, उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया मुख्यमंत्री जी का रहा है और पूर्वी राजस्थान को, अब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री हैं, पूर्वी राजस्थान को गहलोत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। जो ERCP योजना, जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का लाइफ लाइन है, जो किसानों का भविष्य बनाएगी, उस पर भी कोई राजनीति करते हैं, उसके लिए कभी भी गंभीरता से पहल नहीं की। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार के बीच में चंबल के पानी को लेकर जो समझौता होना चाहिए था शेयर पर, वो समझौता भी करा के आज तक दिल्ली को नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी की पूर्वी राजस्थान के प्रति कतई किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है।